2014 के चुनाव में मोदी, राहुल, केजरीवाल और शायद कथित तीसरे मोर्चे का कोई नेता। चुनावी गहमागहमी के बीच एक बार फिर अन्ना हजारे ने अपना पासा फेंक दिया है और अगली चाल चलने में तेजी दिखाई है ममता बनर्जी ने। कभी राजनीतिक आंदोलन की धुरी थे अन्ना, जब राजनीतिक दलों के नेता मंच पर आने को बेताब रहते थे, लेकिन खुद अन्ना इससे सख्त परहेज करते थे। राजनीति से इस दूरी ने उन्हें अपने सबसे प्रिय शिष्य केजरीवाल से भी दूर कर दिया। लेकिन रालेगढ़ सिद्धि के यादव मंदिर में बैठे अन्ना हजारे क्या राजनीति से सचमुच दूर हैं? कुछ दिन पहले अन्ना हजारे ने 17 मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जवाबी खत मिला सिर्फ ममता दीदी की तरफ से। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा कि अगर मैं सत्ता में आती हूं, तो आपके सारे मुद्दों को अमल में लाऊंगी। अन्ना हजारे भले राजनेता ना हो, लेकिन नेताओं पर ऐसे कैसे भरोसा कर लें? लिख दिया कि अगर ममता बनर्जी शपथ पत्र देती हैं, तो वो समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अगर वो अफिडेविट देती है तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं है। जब देश के लिए सोचते हैं तो क्यों ना करें। हम तो वही तो चाहते हैं कि इस देश में बदलाव लाना है। शपथ पत्र को लेकर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अभी इस बारे में कोई जवाब देना जल्दी होगी, लेकिन एक बात तय है कि अन्ना की इस पहल से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट सियासत की सुर्खियों में आ गई है। अन्ना की चिट्ठी और ममता के जवाब से एक बात तो तय है कि दीदी पीएम की रेस में आगे निकलने की होड़ में है, और अन्ना ने भी जता दिया है कि वो दिल्ली से दूर नहीं है।